प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? अच्छे तो शुरू करो। पन्ना, तुम आजकल रिहर्सल में दिखाई नहीं देते। अरे छोड़िए छोड़िए रसराज, मेरे आने जाने से अब किसको क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी आप लोगों को तो मिल गई ना आपकी सुपरस्टार। अरे तेरे जैसे अभिनय और अभिनय भी नहीं, अरे छोड़ छोड़, वो कभी नहीं कर सकती। वही तो रसराज, उस विनोदिनी को क्या आता है अभिनय का, और उसे बना दिया नटी कुल सम्राज्ञी। अरे छोड़ छोड़ उस बातों को, उसमें क्या रखा है, तू ही तो हमारी सुपरस्टार है। पन्ना, ओ पन्ना सुनो, उस दिन जो तुम डांस कर रही थी
सर फिर से करके तो दिखाना, मैं भी थोड़ा रियाज कर लूं। अरे जा जा, अब तुझे क्या जरूरत है मेरी, तू तो बन गई है ना अखबार वालों की सुपरस्टार। रसराज, ये पन्ना मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? हाँ, तुझे पता नहीं क्या, अखबार में तेरा तस्वीर आया है और लोग तुझे बुला रहे सुपरस्टार। तो ये पागली की वजह समझ नहीं हो रहा है। अखबार वाले क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो एक परिवार के जैसे हैं ना, और तू तो मेरी बहन है पन्ना, तू लोगों के बात में आ गई। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, इन लोगों की बातों में आके मैं बह गई थी, मुझे माफ कर दो। छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ भूल जाओ, इन बातों को भूल जाओ पन्ना, इन बातों को भूल जाओ। और मेरे बारे में? हाँ, साधना में तो सिद्धि मिल गया, गुरुमुख राय ने बोला है 25,000 रुपया दे के वो हमारा थिएटर बनाई देगा, और बदले में क्या चाहते हो पता है तुझे? क्या? तुझे हाँ? 2,000 रुपया तनख्वाह देगा, गाड़ी, बंगलो, साड़ी, जवाहरात, सोना, जो चाहिए वो ही मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। बिनोदिनी, बार बार कह रही हूँ मुझे जीने दो, इंसानियत से जीने दो मुझे रसराज, मुझे इंसानियत से जीने दो। इंसान बनने देगा, हम खुद ही तो इंसानियत से बहुत दूर आ चुके हैं पागली, और तुझे। बलराम घोष के घर में सुबह संदेश भिजवाए थे। अरे शुक्र है वही बोलिए वही बोलिए। तुम ये बताओ गुरमुख राय ने क्या बोला? अरे हाँ बोला है, हाँ हम तो थिएटर तैयार करके दीबे, पर बदले में हमको विनोद बीबी जरूर चाहिए बाबूजी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ विनोदनी को, वो किसी भी कीमत पर अपने तन को नहीं बेचेगी, साधना मानती है वो अभिनय को। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम तो आपको ही करना है। नहीं रसराज, ये काम आपको ही करना है, आपको ही करना है, आपको ही करना है। मैं उससे बात करूंगा। हाँ ठीक, यही बोलिए। विनोदनी मास्टर मशाई आशुन। विनोदनी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, तुम थिएटर को प्यार तो करती हो ना? अपने प्राणों से भी अधिक मास्टर महोदय। बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, प्रताप जूरी ने बोल दिया है कि वो थिएटर नहीं चला पाएंगे, और इसीलिए गुरुमुख राय फिर से गुरुमुख राय। घबराओ नहीं विनोदनी, घबराओ नहीं, वो हमारा नया थिएटर बनवा देगा। आप उसकी शर्त तो जानते हैं ना मास्टर महोदय। हाँ लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है, और कोई अमीर आदमी भी सामने नहीं आ रहा। थिएटर तो हम सबका है ना मास्टर महोदय, तो बलिदान केवल मैं ही क्यों? विनोदनी मास्टर महोदय, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे अतीत के पन्नों को दोबारा मत खोलिए मास्टर महोदय, मुझे मेरे अतीत के अंधेरे में मर्डर के लिए। विनोदनी तुमने कहा था मुझे सिखाइए, अच्छी अभिनेत्री बनाइए, उसके बदले में तुम कुछ भी करोगी मास्टर महोदय। नहीं नहीं विनोदनी, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने इतना कुछ सीखा, आज तुम इतनी बड़ी अभिनेत्री हो, तुम अपने आदर्शों के साथ सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद। रुक जाइए मास्टर महोदय, रुक जाइए, ना ही मैं कृतज्ञ हूं और ना ही झूठे वादे करती हूं। देश में एक बड़ा थिएटर हो, इस महायज्ञ में मैं अपने प्राणों की आहुति देती हूं। नहीं विनोदनी नहीं, मैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मर्यादा? कैसी मर्यादा, किसकी मर्यादा? हम लोगों का जीवन तो नाले के कीड़े के समान होता है, दीदी और माँ की तरह मैं भी अपने शरीर को इस नदी में बहा दूंगी, देखती हूँ कौन देवता आता है हमें इस दलदल से निकालने के लिए मास्टर मशाय। विनोदनी पता नहीं संसार तुम्हें किस नजर से देखेगा, किस नजर से जानेगा, लेकिन ये गिरीश घोष तुम्हारे इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। मास्टर महोदय
उदासीन है यार। गिरीश, ओ गिरीश, आ रे। अरे पीछे क्यों जाता है रे, आजा गिरीश। अरे गिरीश, गिरीश जाए भार में, अब तो तेरा टिकट पर है तो मामा। गिरीश गिरीश गिरीश, अरे ओ दीपे, गिरीश के घर जाएंगे। उफ, मैं बहुत पागल देखा, लेकिन मामा आपके जैसे पागल में गप्पी भी नहीं देखा मामा। एक बार उसके घर जाकर आते तो जाएंगे क्या? एक बार ठाकुर 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 वो आ रहे। कौन वो? गिरीश गिरीश गिरीश। अरे वाह गिरीश आ रहा है। अरे जा जा लेकर आ। रुको 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 रुको, ओ सारा भैया के कुछ आना था बोल दिया तो हा? अरे रिदे अगर बुरा बोलेगा तो अच्छा भी तो बोलेगा रे। ए राम ए जा जाके बोलो राम दादू को बुला के लेकर जा, जा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मेरे गिरीश का मिजाज थोड़ा अलग है रे, इन इज्जतदार लोगों के सामने आके वो शर्मा जाए। क्या हमको इज्जत नहीं है क्या? अरे धुत साला, अरे हम सब लोगों का क्या इज्जत, क्या अच्छा और क्या बुरा, हम लोगों का न तो कोई जात है न कोई गोत, न कोई भद्र और न कोई अभद्र, हम सब तो सकोली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोये तारा तुम्हें तुम्हार कर्म तुम्हें करुमा लोके बोले गोरियामी सकोली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोये तारा तुम्हें तुम्हार कर्म तुम्हें करुमा लोके बोले गोरिया। कौन गिरीश नीचे क्यों पड़ा है? उठ के बैठ। चल ये क्या मेरे शरीर में विद्युत की तरंगे क्यों उठ रही? चल किसने मुझे स्पर्श किया? तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या तुम ही हो जो जमुना के तट पे कदम पे पेड़ पे बांसुरी बजाता था? मेरे पास आओ। क्या तुम ही हो जो पितृ वचन को निभाने के लिए 14 साल बनवास गया था? मेरे पास आओ। क्या तुम ही हो जिसके हरि गुणगान के लिए पूरा शादी डूबा रहता है? पास आओ गिरीश। क्या तुम ही हो जिसके स्पर्श मात्र से जदाई मदाई का उद्धार हुआ था? पास आओ। क्या तुम ही योगी के ध्यान का स्रोत्र हो? कौन हो तुम? रुको रुको, ठाकुर का पैर मत छो। अगर तुम्हारा जैसा पापी ठाकुर को पैर छो लगा तो देव का भी राग हो जाए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। लेकिन शास्त्र तो कुछ और ही कहता है, जो अपनों का भी अपना है और जिसका कोई नहीं है उसके भी आप ही। बिल्कुल ठीक, जो अपनों का भी अपना है वो सदा अपने पास ही है, पर उसे पहचानना होता है। और गुरु बिना कैसे पहचानेगा रे? गुरु? गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो भक्त को भगवान से मिलवाता है, भक्त को भगवान से मिलवाता है।
और तुझे तो गुरु मिल चुके हैं। अच्छा गुरु मिल गए हैं, मैंने तो गुरु मांगा है नहीं। अच्छा तुमने गुरु नहीं मांगा? नहीं। तो फिर यू तड़प तड़प कर तुम किसे ढूंढा करते थे? मैं ढूंढा करता था। अच्छा याद है वो जो गाना तुमने लिखा था? कौन सा गाना? अरे ओ राम, तुझे जो गाना सिखाया था जरा गा के तो बता। हाँ मामा, हाँ मामा, गाऊंगा गाऊंगा। আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা, চৈতন্য মই আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা, চৈতন্য মই তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি তোর ভাব সাগরে ভেসে আমি হব মা তোর পদাশ্রয়ী, আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্য মই। ये गाना तो मेरा लिखा हुआ है और अभी तक तो किताब के पन्नों में बंद है, आपको कैसे पता ठाकुर? कस्तूरी की सुगंध क्या छुपाए से छुपती है भला, क्या छुपाए से छुपती है? बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा अभिनय करते हो, करो और थिएटर करो और करो। ठाकुर आप कह रहे हैं थिएटर करने के लिए? हाँ थिएटर से तो लोक शिक्षा होता है, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं। अरे ये तेरा जेब में क्या है रे? दारू का बोतल है ना, पी पी। साले का चारा और नजर, पीऊंगा, कौन रोकेगा साला मुझे? ठाकुर के सामने, ठाकुर के सामने दारू का बोतल। कितना हिम्मत है इसको। पी पी। ये क्या बोतल में भी तुम? ठीक है पूरा निकल जाऊंगा। जिसको पूरा निकल गया वो मेरे सामने है। जय कौन हो? जय मां। ठाकुर कौन हो तुम? जय मां। कौन हो तुम? जय मां। जय मां। जय फिर आ गया हूं विनोदनी। तुम आ गए राय, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, तुम बस थिएटर के काम में लग जाओ, कल से ही थिएटर का काम शुरू हो जाना चाहिए। कल से क्यों प्यारी, आज से ही शुरू करते हैं। कितने रुपए लगेंगे जानते हैं? कितने लगे? 10, 20, 40 लाख। थिएटर का नाम बिना से थिएटर होगा? मेरे कब से थिएटर होगा? जमाना आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगी, पूरे बंगाल के लोग ये कहेंगे ये सुंदर बिना विनोदी नाम की उसके लिए गुरु प्राणी। मेरे नाम का थिएटर? बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। खुशी क्या सुन जाए, ये खुशी क्या सुन। अरे अतुल तुम्हारा भाई किधर है? क्यों? अरे आज तो थिएटर का नामकरण है ना। थिएटर का नामकरण वो तो हो गया है। ये देखिए पोस्टर, विनोदिनी थिएटर, और इसके बारे में हमें खबर तक नहीं। दादा को बुलाओ। मुझे 3 दिन से पता है, तुम्हें आपत्ति है इसमें? हाँ सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको आपत्ति है। तो थिएटर का नाम विनोदिनी थिएटर हो, तुम्हें इसमें आपत्ति है? हाँ क्यों? अरे वैश्य के नाम पे थिएटर होगा तो कौन आएगा?
अरे एक महीने तक देखेंगे, अगर ऑडियंस विरोध करेगी तो उसका नाम जरूर चेंज कर देंगे। इसमें तो आप सहमत है ना? नहीं नहीं, इसमें भी सहमत नहीं है। राय जी देखिए, ये लोग सहमत नहीं है थिएटर का नाम विनोदनी थिएटर हो। मैं यहां काम नहीं कर सकता, लेकिन नाम होगा तो केवल विनोदनी थिएटर ही होगा। मैं भी नहीं चाहता, अगर थिएटर बनेगा तो उसका नाम सिर्फ विनोदनी थिएटर होगा। इसमें किसी की आपत्ति है क्या? हाँ है मुझे आपत्ति, आपत्ति है मुझे। थिएटर विनोदनी के नाम से ये कभी संभव नहीं। पगली, ये तू क्या बोल रही है? रसराज बात सुनो मेरी, मैं वैश्या की लड़की हूँ। मैं गाऊंगी तो लोग सुनेंगे, मैं नाचूंगी तो लोग तालियां बजाएंगे, मैं अभिनय करूंगी तो लोग देखेंगे। पर वैश्या की लड़की के नाम से थिएटर और उसमें काम करने जिंदा लोग, तो मेरी बात सुनो, ये कभी संभव नहीं, ये कभी संभव नहीं। ये क्या पोस्टर फाड़ दिया? मास्टर मशाई बात समझिए, समाज के नाम पे वज्रघात होगा, ये वज्रघात होगा। रसराज मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती, कभी भी नहीं। तुम ठीक कहते हो विनोद। अरे पहले मेरी बात सुनो बाबूजी, मैंने इतने पैसे लगाकर थिएटर बनाए, इतनी मेहनत करी, अगर मेरे नाम के मुताबिक नामकरण नहीं होगा थिएटर का तो मैं इस थिएटर को तोड़ दूंगा। अरे सुनिए सुनिए, तुम क्या नई मुसीबत ले आई? अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ हम सुन रहे हैं, बोलिए। नाम के लिए इतना बड़ा काम रुक जाए ये बात तो ठीक नहीं। मेरे पास एक आसान उपाय है, आपकी सबसे बड़ी स्टार कौन है? विनोदनी। तो बस हल मिल गया, हम थिएटर का नाम रखते हैं स्टार थिएटर। हाँ बाबा स्टार थिएटर। अरे बा, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने बाबूजी। आपके लिए स्टार होगी विनोदनी और इन लोगों के लिए स्टार होंगे आप लोग। अरे वाह, तो थिएटर का नाम स्टार थिएटर। गिरीश, तुझे कहा था ना थिएटर से लोक शिक्षा होता है, देख देख तेरा थिएटर देखने को कितने लोग आए। हर जगह चैतन्य ही चैतन्य फैला है, चैतन्य ही चैतन्य फैला है। दासु, रामदा को लेकर सामने की सीट पर बिठाओ। ठाकुर 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 का टिकट लगेगा। अरे ओ राम और हृदय, देखना ये गिरीश मुझे कैसे सता रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बोला था मामा कि गिरीश तुम जाएंगे मत, लेकिन आप भी गए बिना टिकट में। क्या मेरे पास 1 रुपया नहीं था और टिकट खरीदने के लिए? तेरे पास है, तेरे पास है, देखना हो जाएगा। रे हो जाएगा, फिर थिएटर देख के ही जाए। देखेंगे देखेंगे, जरूर देखेंगे, चैतन्य का अभिनय भी जरूर देखेंगे। देखना पैसा है तेरे पास, ये 8 आना 4 आना 12 आना 13 आना 14 आना 15। अरे मामा खोला, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। दे दे, ये गिरीश को दे, गिरीश दे दे। ए ले गिरीश, साला तुझे मैं पूरा 16 आना ही दे दिया रे। वही दीजिए ठाकुर, वही दीजिए, 16 आना ही दीजिए। मैं गुणहीन चरित्रहीन ज्ञानहीन शराबी, अपने गुणों से आपके पास नहीं आ सकता ठाकुर, अपने गुणों से आपके पास नहीं आ सकता। मुझे अपने ही गुणों से अपने पास बुला लीजिए ठाकुर, अपने ही गुणों से अपने पास बुला लीजिए। जय जय। यहाँ बैठेंगे? हाँ, इधर बैठे। अभी अभी नहीं चालू होगा? हाँ होगा होगा होगा। इधर इधर बैठ। तुम भी बैठो, तुम बैठो ना, बैठो 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 बैठो, आराम से देखेंगे ना।
मेरे प्राण रहने तक मैं ये गाना बंद नहीं करूंगा। बंद नहीं करेगा? नहीं। तो ये ले। निताई, निताई, उठो भाई निताई, उठो, उठो। किस नराधम ने की तुम्हारी अवस्था? सुदर्शन कहाँ है? सुदर्शन क्रोध त्याग दो प्रभु, मैं माफी मांगता हूँ। ये दोनों भाई मोह के अंधेरे में घुसे रहे हैं। मधाई ने तो मारा और जगाई ने रोका है, और आप देखो दोनों भाई डर से कांप रहे हैं। जगाई, उठो भाई जगाई, उठो। तुमने निताई की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है, कृष्ण तुम पे कृपा करेंगे। हरी बोल। तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जिसके हो अपराधी उसके क्षमा बिना नहीं है तुम्हारी गति। क्षमा करो, क्षमा करो। उठो माधाई, उठो जगाई, बोलो हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल, जय गौरांगेर, जय गौरांगेर, जय। लेते हैं माँ से विदाई। निमाई, निमाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? निमाई घर छोड़ के बोलोगे सन्यासी? तुम सुन रहे हो? देहो माता अनुमति, देहो माता अनुमति, क्या इस दिन के लिए पाला था मैंने तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं इस संसार से? क्या लेके रहूंगी मैं इस संसार से? माँ, माँ, कृष्ण बोले था तो माँ केनो ना निमाई बोले। कृष्ण बोले कान्ले तो पावे सभी, निमाई बोले कान्ले, निमाई बोले कान्ले तो निमाई हारावे मां। निमाई, 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 कोथाय गेले तुम्ही प्रभु? देखा दाओ, देखा दाओ प्रभु, देखा दाओ। ठाकुर कैसा लगा अभिनय? बहुत अच्छा लगा, असली नकली सब एक हो गया रे। बहुत खूब भाल। अरे निमाई कौन बना था रे? जी वो हमारी विनोद, रोज ये गाना गाते हैं बेहोश हो जाते हैं। अरे ओ विनोद, ठाकुर आए, प्रणाम नहीं करेगी? ठाकुर, ठाकुर कहाँ है? ठाकुर वही तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं। ठाकुर प्रणाम। दयाल ठाकुर, दयाल ठाकुर, दयाल ठाकुर। ये लड़का निमाई बना था? ठाकुर ये लड़का नहीं लड़की है। ओ शाला, अच्छा ठगा माँ, अच्छा ठगा। दयाल ठाकुर, रो मत ठाकुर, रो मत ठाकुर, ठाकुर। माँ, माँ मेरे साथ बोल, गुरु हरि, हरि गुरु, 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 गुरु हरि, हरि गुरु। बहुत चैतन्य हो ठाकुर, ठाकुर तुम्हारी इतनी दया ठाकुर। मैं तो महापापी हूँ ठाकुर, मैं तो महापापी हूँ। नहीं रे, पाप नहीं है रे, पाप नहीं, सब वही, सब वही। जय जय ठाकुर। ये सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद। हमारे घर आए हैं, बिना मुंह मीठा किए आप नहीं जा सकती।
चलिए खाना। ओ, मीठे पे मीठा, बाद में लाठी तो नहीं मारोगे भाई? यहाँ बैठना है। चलो, बहुत ज्यादा हो चुका है, चलो। नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सूरज, चलिए घर चलिए। कहाँ? मुझे घर ले चलो सूरज। अरे और इधर चैतन्य का अभिनय देखने के लिए तो फिर आएंगे, पर फिर खाना नहीं खाएंगे। मेरा गिरीश, गिरीश गाड़ी में बैठा क्या है? गिरीश गया? देर गिरीश बाबा। गिरीश, ए माँ, माँ मेरे गिरीश का कल्याण करना, माँ माँ मेरे गिरीश का मंगल करना। कलमकर कौंठेहार रंगभूमि बालभाषी प्रदेशाद राशि राशि आशारणेशाय कोरी जीवन जप। चलिए खाना तैयार है, खाने के लिए चलिए। हाँ सूरत, खाऊंगा। खाना नहीं, जहर खाऊंगा। नहीं, नहीं सूरत, मत करिए।
मुझे मत रोको। मत करिए ऐसा अनर्थ। जय श्री राम। नहीं नहीं, ये तो ठाकुर बोल रहे हैं। गिरीश ठाकुर, क्या हुआ गिरीश, ये क्या कर रहा है तू? ठाकुर रो मत, रो मत। ठाकुर मैंने समाज के घृणित लोगों से धन लेकर इस थिएटर को बनाया, आपने उस थिएटर में आकर इसे तीर्थ स्थल बना दिया और मैंने इसी तीर्थ स्थल में आपका अपमान कर दिया। ठाकुर आपका अपमान कर दिया। अरे गिरीश, अबोध शिशु अपने बाप को लात मारता है तो बाप का जात जाता है क्या? क्या बाप का जात जाता है? अरे हाँ ठाकुर, मैं बालक ही हूं, मैं बालक ही हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा ठाकुर, मेरा कल्याण कैसे होगा? तू सुबह शाम हरि का नाम ले। ठाकुर सुबह तो नींद लेट खुलती है, रात को थिएटर होता है। तो खाने के बाद? खाने के बाद तो नींद आती है। तो नहाने के बाद ले ले। नहाने के बाद तो भूख लगती है ठाकुर। कुछ भी नहीं होता तुझसे, तू दे शाला दे, तेरा सब कुछ मुझे ही दे। ठाकुर इस महापापी का भार आप लेंगे? ठीक है ठाकुर, ठीक है, मेरा मन लीजिए, मेरा तन लीजिए, मेरे पाप लीजिए। जय मां। मेरे पुण्य लीजिए। जय मां। मेरा ज्ञान लीजिए, मेरा ज्ञान लीजिए, आप मुझे खुद को दे दीजिए ठाकुर। जय मां। आप मुझे खुद को दे दीजिए। जय मां। जय। तो आ गए निवाय ठाकुर प्रहलाद। अरे ये सूट पहन के क्यों आई रे? अच्छा इन लोगों ने तुम्हें आने नहीं दिया? तीन दिन से आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए आ रही थी ठाकुर, किसी ने भी मुझे अंदर नहीं आने दिया, इसीलिए ये छल करना पड़ा। फिर भी आपने मुझे पहचान लिया ठाकुर? जाते समय चैतन्य को नहीं पहचानेंगे ठाकुर तो कैसे चलेगा रे? ठाकुर तो आप हम सबको छोड़ के चले जाएंगे ठाकुर। अरे पगली, जो आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही है। ठाकुर ठाकुर माँ, जिस गले में इतनी बार माँ का नाम लिया, उस गले में ये महाकाल रोग कैसे? ये भी तो माँ की ही दया है रे पगली, ये भी तो माँ की ही दया है। अरे माँ, मुझे वो गिरीश का लिखा एक बार वो गाना तो सुना दे माँ। ठाकुर 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 क्लांति आवा क्षमा करो प्रभु, पथे जदि पिछिए पिछिए पड़ी कभु। काली क्लांति आमा क्षमा करो प्रभु। ठाकुर 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 रो मत मां, रो मत। कल्पतरु से मांगने सभी आए थे, तुम नहीं आई? ना ठाकुर ना। क्यों? जिसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया उसे भला दोबारा हाथ फैलाने की क्या जरूरत? ठीक बोली माँ, ठीक बोली। जो सब कुछ पहले से ही दे रहे हैं उनसे क्या मांगना?
ठाकुर ठाकुर। और फिर मांगने से तो कम ही मिलेगा माँ, कम ही मिलेगा। ठाकुर तेरा चैतन्य हुआ है माँ। ठाकुर ठाकुर अब तुझे कोई डर नहीं, जब बदन पे हल्दी लगाई ही है तो फिर मगरमच्छ से क्या डरना। जा माँ तेरा मंगल होगा माँ। ठाकुर जा तेरा मंगल। ठाकुर जय माँ काली, जय माँ। जय रांगा बाबू आप आ गए। हाँ मासी विनोदिनी नहीं दिख रही। बस यही है, आ रही है, बुलाती हूँ मैं। विनोद, ओ विनोद, विनोद। माँ कौन है? देख रांगा बाबू आए हैं तुझसे मिलने। रांगा बाबू आप? सुना था माँ की खबर सुन के आप घर गए थे, सच है क्या? हाँ गया था। तो अब कैसी है आपकी माँ की तबीयत? ठीक है, पर वो इस लोक में नहीं परलोक में है। रांगा बाबू। हाँ विनोद, जानते हो वो क्या चाहती थी? क्या? वो चाहती थी कि मैं शादी करूं। तो करेंगे? हाँ, क्या शादी? हाँ विनोदिनी करूंगा, जरूर करूंगा, इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे। आज से तुम सिर्फ मेरी हो विनोदिनी, सिर्फ मेरी। ना 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 रांगा बाबू, शिरा कोनो दिन ही होते पारे ना। ये सब मोह है रांगा बाबू, ये संभव नहीं, निकलिए इस मोह से बाहर। विनोदिनी ये मोह नहीं है, अगर मोह होता तो मैं इन सबको ठग लेता, लेकिन ठाकुर को। ठाकुर? ठाकुर? हाँ विनोदिनी ठाकुर, मैंने कल तरु से तुम्हें मांग लिया है विनोदिनी। तुमने कल तरु से मुझे मांगा? मुझे? दुनिया में इतना कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ और नहीं मिला रांगा बाबू, तुमने कल तरु से मुझे इस नारी के कीड़े को मांगा। विनोदिनी जो औरों के नजर में नारी का कीड़ा है वो मेरे आंखों में कौस्तुभ रत्न है। रांगा बाबू बोलो चलोगे मेरे साथ? रांगा बाबू इतने साल मैंने सिर्फ अभिनय किया, आज मेरे अभिनय का आखिरी दिन है, मुझे अपने साथ ले चलो रंगा बाबू, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे साथ ले चलो रंगा बाबू। विनोद तू क्यों रो रही है? विनोद माँ तू क्यों रो रही है? माँ रंगा बाबू मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। ना 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 विनोद, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मुझे मैं नहीं रह सकती तेरे बिना, मैं नहीं रह सकती। मुझे अनुमति दे दो माँ, मुझे अनुमति दे दो, इस नरक में मैं आज साथ नहीं ले पा रही माँ। आज उसे जाने दो मोसी, मैं उसे ले जाने आया। ठीक है जा विनोद, जी ले अपनी जिंदगी, तुझे इज्जत की जिंदगी जीनी थी ना, जिसमें तेरी खुशी उसी में मेरी खुशी, जी ले अपनी जिंदगी विनोद, जी ले। चलो विनोदिनी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाने से पहले आओ हम ठाकुर का आशीर्वाद लेते हैं। आओ सेशन विथ शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।